हार्दिक पटेल के जरिए अब भी पहले चरण की एक सीट के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इसी वजह से पाटीदार संगठन कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात की 89 विधानसभा सीटें आती हैं। पहले चरण की सीटों के लिए 9 दिसंबर को मतदान होना है। जानकारी के मुताबिक गुजरात की बोटाद सीट को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व मंत्री सौरभ पटेल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर एनसीपी से हाल ही में कांग्रेस में आए मनहर पटेल को उम्मीदवार बनाया है। पाटीदार संगठन कांग्रेस उम्मीदवार मनहर पटेल का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बाद कांग्रेस से अभी भी इस सीट को लेकर हार्दिक पटेल के ग्रुप से चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि आज पर्चा भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल चाहते हैं कि यहां से दिलीप सबावा को टिकट दिया जाए। बता दें कि दिलीप एक पाटीदार नेता है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।